नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMD मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन ही ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए दिया था वोट। 23 जून 2016 को ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने यानी ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट दिया था। प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 48.1% लोगों ने मतदान किया था। इसके बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर लंदन में ब्रेग्जिट समर्थकों ने संसद के पास एकत्र होकर जश्न मनाया, जबकि स्कॉटलैंड में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। स्कॉटलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए मतदान किया था, लेकिन पूरे देश की राय इससे अलग थी। आज के दिन ही क्रैश हुआ था कनिष्क विमान, 329 लोगों की गई थी जान। एयर इंडिया का यात्री विमान कनिष्क 23 जून 1985 को आयरलैंड तट के निकट हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। विमान उस समय 31,000 फीट की ऊंचाई पर था और धमाके के साथ ही विमान में आग लग गई और जलता हुआ विमान अटलांटिक सागर में गिर गया था। दुर्घटना के समय विमान अपने गंतव्य हीथ्रो हाईवे अड्डे से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। यह विमान टोरंटो से उड़ान भरने के बाद लंदन होते हुए नई दिल्ली आने वाला था। आज के दिन ही कश्मीर में हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून 1953 को कश्मीर में एक अस्पताल में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। संसद में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में डॉक्टर मुखर्जी ने संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। आज के दिन ही 1761 में हुआ था मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन। मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का 23 जून 1761 को निधन हो गया था। उनकी प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, राज्य की आय के साधनों को बढ़ाना और उनका राज्य के हित में अधिकाधिक प्रयोग करने की थी। बालाजी बाजीराव ने अलीवर्दी खां की मदद के लिए बंगाल प्रस्थान किया था और रघुजी भोसले को युद्ध में पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया था। इसके बदले में अलीवर्दी खां ने पेशवा को बंगाल में चौथ वसूली का अधिकार और सेना के व्यय के लिए 22 लाख रुपए दिए थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।